पहला सवाल स्वामी जी आनंद का है भिवानी से। मुझे 10-11 साल से साइनस की प्रॉब्लम है, छींकें आती हैं लगातार और कई बार सर दर्द भी बहुत तेज होता है, बाल भी सफेद हो रहे हैं। अच्छा है आनंद जी, कृपया इसका उपाय बताएं। ये सारे पॉइंट ये साइनस के हाथों में पैरों में, और मैंने कई बार बताया 5 काली मिर्च और 5 बादाम चबा ले, चबा चबा करके खाएं, 5 मिनट लगेंगे चबाने में, धीरे धीरे चबाना, ऐसे ऐसे दो इधर से दो इधर से थपेड़े मारे और भीतर पेल दिया, ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर अणु तेल का नस्य करना, नहीं तो अपना पतंजलि कच्चे घने का सरसों तेल या कोल्लू से निकलवा के ले आना मेरे भाई, अपना नाक में डालो और हरियाणा की भाषा में बोलो तो नाक में ठोको, और फिर देखो कहीं साइनस नहीं रहेगा। और श्वासारी और प्रोन को एक एक या दो दो खा लेना, एक सप्ताह में ऐसे घोड़े की तरह टनाटन दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आनंद जी आनंद रहेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, भिवानी वाले हमारे गुहांडी पड़ोसी, उनका तो उत्तर दे दिया अभी। स्वामी जी अगला सवाल अम्बाला से है यशवी का। मैं 8 साल की हूँ, ना मेरी हाइट बढ़ रही है, मैं बहुत कमजोर हूँ और मेरे को ना भूख लगती है, कृपया करके कुछ उपाय बताएं। ओह कितने अच्छे से बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तो देखो ये बच्चे जब से वीडियो भेजने लगे हैं ना, तो बड़े भी अच्छे भेजने लग गए। तो यशवी जी आपको जो पाचन गड़बड़ है, एक तो कपालभाति करना, मंडूकासन पवन मुक्तासन करना, इससे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो सामने रखा है ना द्राक्षासव, ये द्राक्षासव पी लेना, इससे भूख बहुत अच्छी लगती है, खून भी बढ़ता है। योग मुद्रासन या मंडूकासन पवन मुक्तासन करना, और हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार कई बार बताया ना बेटा, और हाइट का पूरा एक कार्यक्रम आया हुआ है यूट्यूब पे, आप सर्च कर लेना इंडिया टीवी का, वो कार्यक्रम मिल जाएगा आपको। और शरीर की कमजोरी के लिए ये द्राक्षासव के साथ साथ अश्वगंधा, अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल हम देते हैं, तो ये एक एक खा लेना, आपको खूब ताकत आएगी। बाकी तो जब योगाभ्यास करेंगे और थोड़ा दौड़ लगाएंगे, और ये जो आसन बताए थे सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, हर्षण चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और ताड़ासन, तो भूख भी ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है। तो जब भूख अच्छी लगेगी तो ऐसे भी ताकत अच्छी आएगी, खाया पिया हजम होगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। यशवी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप खूब यशस्वी हों और बहुत तगड़ी बनेगी, भूख अच्छी लगेगी, हाइट भी खूब अच्छी होगी फिजिकली भी, और वैसे भी खूब नाम कमाएंगी, योग करेंगी तो सब तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगी। दवा के साथ दुआ फ्री में मिल रही है स्वामी जी, ये भी अच्छी बात है। अब अगला सवाल स्वामी जी दिल्ली से सुरेश का है। स्वामी जी मेरी उम्र 67 साल है, मेरे दोनों घुटनों की दोनों हड्डियां आपस में जुड़ गई हैं, मेरे से चला नहीं जाता, कृपया करके कोई इलाज बतलाएं। तो एक तो ये घुटनों का ऐसे ऐसे करें सुरेश जी, ये देखो, और इससे हड्डियां अपने आप खुलने लगेंगी, ऐसे ऐसे करना, ऐसे और उल्टी लेट करके ऐसे करना, ऐसे लेट जाना और ये करना ऐसे, खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और ऑर्थो केयर एक एक चम्मच सुबह शाम लेना, एटीएम की सब्जी एलोवेरा सो, 25 ग्राम के करीब अंकुरित मेथी और 5-10 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में छौंक करके, और इस मिलेट की ही आटे की रोटी, मारे खास करके रागी बाजरा जवार ये सबसे अच्छे होते हैं इसके लिए, तो रागी बाजरे की रोटी खाना और वो भी एक से ज़्यादा नहीं खाना, और रोज इंटरमीडिएट उपवास करना, 7 बजे के बाद खाना नहीं और अगले दिन 9-10 बजे ही नाश्ता करना, तो 14 घंटे का उपवास होने से पूरा अंदर का वात खत्म हो जाएगा, अंदर से हड्डियां बड़ी मजबूत बन जाएंगी, और सुबह सुबह धूप में बैठ जाना, मौसम की आँख मिचौनी तो चलती रहती है, जिस दिन भी धूप हो धूप में बैठना, ये अभ्यास करना जो आपको बताए गए, और एक ही बटरफ्लाई भी बहुत अच्छा होता है, इसको भी कर लेना, अपने आप पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो हम ये अलग अलग अभ्यास बताते हैं ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।